हेलो फ्रेंड, उराव फर्नीचर में आपका स्वागत है। तो आज आपको मैं एक चौखट दिखाता हूँ, इसका प्राइस कितना पड़ने वाला है, लकड़ी क्या पड़ेगी, मजदूरी क्या पड़ेगी और टोटल काम में कितना खर्च आएगी, मतलब सिर्फ चौखट का आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये चौखट जो है वो 91 इंच बाई 75 इंच की है, मतलब चौड़ाई 75 और हाइट 91, फ्लोर से लेकर लास्ट तक और इधर लास्ट 91 इंटू 75 इंच। तो दोस्तों, इस चौखट में इसकी जो चौड़ाई है 5 इंच की है और इधर से 2.5 इंच की है, मतलब 5.5 की है, सब तरफ सेम लकड़ी लगी है। तो इसकी जो ये लकड़ी जो है सीधी वाले की कम पड़ती है प्राइस में, जो राउंड वाली है राउंड में ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि इसमें लकड़ी बर्बाद होती है कट के, और ये सब मोटा लकड़ी से कटती है तो प्राइस ज़्यादा लगता है इसमें। तो दोस्तों, ये बहुत भारी भरकम होती है, जैसे चौखट बड़ा होना, और इसमें बीच में कोई सपोर्ट भी नहीं है, सिर्फ साइड में क्लैंप लगेगा और बीच में ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो इसको बनाने में भी समय लगती है, इसमें 6 गुना चौखट का काम हो जाता है इसमें। तो दोस्तों, मैंने इसको बनाया है तो इसकी प्राइस पड़ने वाली है, प्राइस बताता हूँ इसकी। टोटल प्राइस इसकी पड़ने वाली है 10,633 रुपये। इस चौखट का इसका जो है अलग अलग रेट है, इसका मैं बताता हूँ। जो सिर्फ जो सीधी लकड़ी है उसकी 5250 हुई, 5250, और जो आर्च वाली है उसकी 2383 रुपये, खाली राउंड वाले की 2383 रुपये एक पीस लकड़ी की। और ये जो 5250 में बताया उसका सब सीधी लकड़ी का, और बनाने का आर्च बनाने का मजदूरी है 1500 रुपये, और जो सीधी वाली लकड़ी में काम करने का उसका 800 रुपये, और 200 रुपये लगेंगे प्लाई के फर्मे बनाने के लिए, और 500 रुपये लगेंगे ऑटो किराए, जो लकड़ी खरीदाएगा तो आएगा उसका कॉस्ट। तो टोटल हमारा 10,633 रुपये लगने वाला है, रेट में कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।